नमस्कार, मैं जय हिंद जय भारत में सुभाष कुमार मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं कृष्णा एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, जहां पे मैं डिस्कस कर रहा हूं वर्किंग ऑफ डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर। एक में मैंने बताया था कि क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, एवोपरेटर और आपका कंडेंसर, कंप्रेसर और किस तरह से कॉयल कैसे। आज मैं डिस्कस करूंगा कहां से रेफ्रिजरेंट निकलता है और किस तरह से आता है। प्लीज बी क्लियर, आप दो चीजों पे लॉजिक लगाइएगा मेरे बच्चों, आप दो चीजों पे एक दिमाग लगाइएगा कि रेफ्रिजरेंट किस अवस्था में निकलना। पहली चीज आप एक याद रखिएगा, एक तो उसके फेस को ध्यान रखिएगा। फेस मतलब उसकी अवस्था, मतलब वो सॉलिड है या लिक्विड है या वेपर है, ये आप देखिएगा। और दूसरी चीज आप देखिएगा वो लो प्रेशर है या हाई प्रेशर है, वो लो प्रेशर है या वो हाई प्रेशर है, आप इतना ध्यान जरूर दीजिएगा इस बात पे। मैं इन्हीं चीजों को देख के बढ़ता हूं आगे। तो एक कंस्ट्रक्शन ऑफ डोमेस्टिक बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपसे इसको पूछना चाहिए। और दूसरा नाम इसका मैंने अभी आपको बताया, वेपर कंप्रेशन साइकिल करके वो पूछ सकता है कि रेफ्रिजरेशन की कौन सी साइकिल होती है। तो आप कहेंगे वेपर कंप्रेशन साइकिल है। आपको मैंने भी बताया था कि चार मेन कंपोनेंट होते हैं, जिसमें से एक है कंप्रेसर, एक है आपका एवोपरेटर, एक है कंडेंसर और एक है कैपिलेटर। कुछ मिसलिनियस डिवाइसेस मैंने ऐड कर लिए, दैट इज कॉल्ड एकोमुलेटर, आजकल फ्रीज में लगी हुई है, थर्मोस्टेट टेम्परेचर को मैनेज करने के लिए, एंड ड्रायर एंड स्ट्रेनर, इन पार्टों को भी मैं लेके चलता हूं। सो बेसिकली मेन पार्ट इज फोर मेन पार्ट है। फोर मेन पार्ट में एक हमने फोर मेन पार्ट को बता, तो मैंने कहा सीरियल कंप्रेसर से, फिर एवोपरेटर से, फिर आपका कंडेंसर से, फिर आपका कैपिलरी ट्यूब से। इनको देखता हूं बड़े ध्यान से, तो एक बहुत प्यारा फिगर एक निकल के हमारे पास आता है। ये मैंने कहा ब्लॉक डायग्राम है, ये पेपर में आपको बनाना है। ये वही डायग्राम है जो फ्रिज के अंदर होता है, बस यहां पे कंपोनेंट अलग कर लिए है और जो उसकी केसिंग होती है फ्रिज की उसको मैंने बाहर कर दिया है, ठीक है। अब मैं देखता हूं, ये आपको मैंने क्लास में भी बताया है, तो ये क्या है, दैट इज कॉल्ड एवोपरेटर। ये एवोपरेटर वो स्पेस है, फ्रिज का स्पेस है, आप बड़ा बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये फ्रिज का स्पेस है। क्या स्पेस है, इसी से पूरी वर्किंग मैं अभी समझाऊंगा, दैट इज कॉल्ड फ्रीजर। ये स्थान जो है ये फ्रीजर में होता है, और इसके ऊपर जो ट्यूब आपको मैंने पहले वीडियो में यहां दिखाई थी आपको, मैंने ये देखिए, ये जो स्थान मैंने यहां पे आपको दिखाया था, ये देखिए, ये कर्सर आपको दिखा रहा होगा, दिस इज कॉल्ड एवोपरेटर स्पेस, और इसके ऊपर जो कॉइल थी दैट इज कॉल्ड एवोपरेटर कॉइल। सो दैट्स व्हाई ये जो हमारा एवोपरेटर कॉइल है ये फ्रीजर के ऊपर इसी तरीके लपटी रहती है, और ये किस तरह की है, हॉलो है, और इनके दो पॉइंट होते हैं। एक पॉइंट है आपका एंट्री पॉइंट, दैट इज कॉल्ड एंट्री, मैंने एंट्री पॉइंट बना लिया, मतलब ये जहां से एंट्री पॉइंट है, और एक पॉइंट आपका एग्जिट, जब बाहर निकलना है, दैट इज कॉल्ड एग्जिट। क्या निकलना है, एग्जिट पॉइंट। अब यार दिमाग लगाइएगा कि अभी बस एक साइकिल को समझिए आप लॉजिक, इसके अंदर क्या है, रेफ्रिजरेंट है, किस तरह का रेफ्रिजरेंट है, R12 रेफ्रिजरेंट है, दैट इज कॉल्ड फेरॉन। अब आप ध्यान दीजिए कि इसके अंदर जो रेफ्रिजरेंट है वो क्या करेगा, क्योंकि आपने फ्रिज के अंदर क्या रखा है, प्रोडक्ट रखा है, आपने मिल्क रखा है, आपने डेयरी प्रोडक्ट्स रखे हैं, आपने मीट रखा है, फिश रखी है, उनसे क्या करेगा, हीट निकालेगा, और हीट जब लेगा तो दिस इज कॉल्ड हीट। इनसे जो अंदर अंदर से हीट निकाल रहा है, या पानी आपने रखा है, उनसे क्या करेगा, हीट निकालेगा। अब जब हीट उनसे निकलेगी और हीट निकल के जनाब इन ट्यूब पे टकराएगी, जरा दिमाग लगाइएगा। और एक चीज और इससे पहले कि इसके पास जो रेफ्रिजरेंट अभी आ रहा है, मतलब एवोपरेटर कॉइल के पास जो रेफ्रिजरेंट आ रहा है वो कैसा है, लो प्रेशर लो टेम्परेचर का है। कैसा है, लो प्रेशर, जिसका प्रेशर क्या है, लो प्रेशर है, और लोटी मतलब लो टेम्परेचर, उसका टेम्परेचर भी क्या है, लो है। लो प्रेशर लो टेम्परेचर का रेफ्रिजरेंट आपका, और किस अवस्था में आ रहा है, लिक्विड अवस्था में आ रहा है, मतलब उसका प्रेशर बहुत कम है, उसका टेम्परेचर, इट्स मीन वो ठंडा है, वो ये मतलब किस अवस्था में है, ये ठंडा है। कैसा है, ठंडा, ये इस समय ठंडा लिक्विड इसके अंदर गया। अब जरा इमेजिन करिएगा, इसके अंदर ठंडा लिक्विड इन पाइपों के थ्रू, जिसको हम रेफ्रिजरेंट कह रहे हैं, इसके अंदर फ्लो कर रहा है, और जैसे ही अंदर फ्लो किया, हमने कुछ प्रोडक्ट अंदर रखे हैं, वो प्रोडक्ट कैसे रखे हैं, वो प्रोडक्ट हमने रखे हैं जिनको हमें ठंडा करना है, तो उनका टेम्परेचर, जरा ध्यान दीजिएगा यहां पे, उनका टेम्परेचर जिनको रखा है और जो हीट आपका डिलीवर्ड करना है, उनमें अंतर है। रेफ्रिजरेंट अंदर ठंडा फ्लो कर रहा है और
ये हीट क्या है, ये हीट ज्यादा है, तो क्या करता है ये जो प्रोडक्ट अंदर रखे वो हीट इनकी लेना शुरू कर दे। अब जब हीट लेना शुरू कर देता है रेफ्रिजरेंट, रेफ्रिजरेंट क्या करता है, हीट अपने पास डायरेक्ट तो नहीं लेगा, ट्यूब्स में हीट लगेंगी, और ट्यूब्स में हीट लगेंगे, धीरे धीरे क्या करता है रेफ्रिजरेंट, रेफ्रिजरेंट धीरे धीरे लिक्विड से वेपर बन जाता है। क्या बन जाता है, जब तक बाहर निकलता है तो लो प्रेशर तो रहता है उसका, क्योंकि इतना तो उसको हीट मिली नहीं, क्योंकि आग तो अंदर जली नहीं है फ्रिज के, बस उसने हीट ली है थोड़ी थोड़ी, और वो लो प्रेशर और लो टेम्परेचर का ही बनता है, लेकिन उसकी अवस्था चेंज हो जाती है। कैसी अवस्था हो जाती, वेपर अवस्था हो जाती। अब ये समझ में आया लॉजिक कि जो एवापोरेटर के पास पहले कैसा आया था, वेपर आया था, रेफ्रिजरेंट कैसे आया था, लिक्विड आया था सॉरी, और लिक्विड कैसा था, ठंडा था, और अंदर जैसे ही प्रोडक्ट रखा ये ठंडे में क्या हुआ, जो प्रोडक्ट मान ली पानी रखा है और यहां ठंडा, इसके ऊपर से ट्यूब्स ठंडी हैं, तो पानी अपनी हीट किसको, ट्यूब को देगा, तो ट्यूब मतलब ट्यूब्स को देगा, और ट्यूब के अंदर है रेफ्रिजरेंट, वो पहले ठंडा था, इन गर्माहट पा पा के किसमें चेंज हो जाएगा, वेपर में, तो पानी क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। लॉजिक ये क्लियर हो गया। अब यहां से निकलकर एवापोरेटर से निकल के ये कहां जाता है, एक्युमुलेटर। मैंने कहा था ये एक मिसलिनियस कंपोनेंट है, लेकिन आजकल फ्रिजों में दिया है। एक्युमुलेटर क्या करता है, ये टू ट्रैप लिक्विड रेफ्रिजरेंट। मान लीजिए कोई यहां वेपर रेफ्रिजरेंट के साथ साथ कुछ लिक्विड आ गया है धोखे से, तो इसको क्या करता है, ट्रैप कर देता है इसको, मतलब पहचान लेता है और रोक देता है। एक्युमुलेटर का बस इतना फंक्शन है। एक्युमुलेटर के बाद सीधे जो मतलब सीधे लिक्विड कहां जाती है, दैट इज कॉल्ड कंप्रेसर। हर्मिट टाइप का हर्मेटिकली सील्ड कंप्रेसर लगाते हैं, इसके अंदर क्या करता है आपका कौन सा, लो प्रेशर लो टेम्परेचर वेपर रेफ्रिजरेंट इसके अंदर आ जाता है। कंप्रेसर का काम क्या होता है, जो लो प्रेशर लो टेम्परेचर वेपर रेफ्रिजरेंट आया है उसको कंप्रेस कर देना, और कंप्रेस कर देना उसके प्रेशर को बढ़ा देना, उसके टेम्परेचर को बढ़ा देना। जैसे ही प्रेशर बढ़ जाता है टेम्परेचर, और अवस्था क्या हो जाता है, जब ये बाहर निकलता है कंप्रेसर से तो कैसा निकलता है, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर वेपर रेफ्रिजरेंट निकलता है। और ये कहां जाएगा, अब देखो, अब हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर का मतलब है कि रेफ्रिजरेंट जो ट्यूब के अंदर भरा है उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो गया है। अब टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो गया तो इसको पहले ठंडा करो, ठंडा करने के लिए एक डिवाइस हम लगाते हैं, दैट इज कॉल्ड कंडेंसर। क्या लगाते हैं हम यहां पे, दैट डिवाइस इज नोन एज कंडेंसर, और ये किस फॉर्म में लगाई जाती है, क्वाइल के फॉर्म में, सो दैट इज कॉल्ड कंडेंसर क्वाइल, जो फ्रिज के पीछे आपकी लगी रहती है। इसमें क्या होता है, बाहर जब हवा चल रही होती कमरे में और तुम्हारा हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर वेपर रेफ्रिजरेंट जब इससे फ्लो करता है इसके अंदर से, तो क्या होता है, हवा पा पा के रेफ्रिजरेंट अपना टेम्परेचर गिरा देता है और वेपर से लिक्विड के फॉर्म में आ जाता है, वेपर से लिक्विड में। तो हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर रहा लेकिन रेफ्रिजरेंट कैसा बन गया, लिक्विड। मतलब बस कंडेंसर का काम यह है कि जो जो कंप्रेसर से हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर निकला था उसको कम कर देना, उसको उसके उसको वेपर से लिक्विड में ले आना, और उसका प्रेशर और टेम्परेचर, अब देखिए प्रेशर और टेम्परेचर तो हमारा यहां पे प्रेशर हाई रह गया लेकिन टेम्परेचर क्या हो गया, कम हो गया, तो अभी हमें प्रेशर भी कम करना है। तो हम एक और चीज, स्ट्रेनर एंड ड्रायर, स्ट्रेनर एंड ड्रायर क्या करता है, ये वेपर को रोक देता है, वेपर को रोक देता है। अभी हमें प्रेशर भी और डाउन करना, तो प्रेशर को डाउन करना, तो क्या, जब देखिए कंप्रेस कर रहे थे तो प्रेशर बढ़ रहा था, अब एक्सपेंड करेंगे, कोई भी चीज कमरे को बड़ा कर दोगे तो प्रेशर कम हो जाएगा ना, तो वो क्या करते हैं, एक एक्सपेंसिंग डिवाइस में चला जाता है। तो वहां पर एक एक्सपेंसिंग डिवाइस का नाम क्या है, कैपिलरी ट्यूब। ये क्वाइल फॉर्म में ऐसी लगी रहती है, आप फ्रिज में देखिएगा, इससे क्या करते हैं रेफ्रिजरेंट को बहुत देर तक पास कराते हैं। इससे क्या होता है कि रेफ्रिजरेंट का जो प्रेशर हाई था वो क्या हो जाता है, लो हो जाता है, और फिर लो टेम्परेचर लिक्विड रेफ्रिजरेंट बनकर इस एवापोरेटर पर फिर आ जाता है, और इसी तरीके साइकिल मेरी रिपीट कर जाती, पहली चीज। दूसरी चीज, ये ठंडा कैसे कर रहा है, ठंडा देखिए जनाब कैसे कर रहा है, जब मैंने कैपिलरी ट्यूब से इसको पास कराया तो रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर क्या हो गया, बहुत कम हो गया, तो मतलब इतना ठंडा हो गया कि जैसे ही ये फ्रीजर पे जाएगा तो तुरंत क्या करेगा, ये हीट पिक करेगा और पिक करके वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। जब वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा तो इसको कंप्रेसर से गुजार देंगे कि इसको हाई प्रेशर बना दिया जाए, और फिर इसको कंडेंसर से फ्लो कर देंगे। इसी तरीके ये साइकिल रिपीट कर जाती है और डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर मेरा तैयार हो जाता है। अब वही मैंने थ्योरी के फॉर्म में लिखा है। मैंने पहला पॉइंट ये बनाया था कि लो प्रेशर लो टेम्परेचर लिक्विड रेफ्रिजरेंट
इंटर इनटू द एवापोरेटर, कहां इंटर करता है, एवापोरेटर में इंटर करता है, ये पहला पॉइंट है, एवापोरेटर में जाता है, यही बताया था।